आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर जावेद अख्तर खान अपने टीम मेंबर्स के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा कंपाइलर डिजाइन का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसके इंट्रोडक्शन और पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं और किस तरह से हम इसको लेआउट कर सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो है, मेजर जो कॉन्सेप्ट है इस कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट का, वो जो है वो 5 यूनिट में डिफाइन किया गया है। जो पहला यूनिट है वो आपको कवर करता है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेक्सिकल एनालाइजर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर। यानी जो पहली यूनिट है इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो कवर करेंगे हम कि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, इसमें हम ट्रांसलेटर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इसमें हम पार्सिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसमें हम जो है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को समझेंगे, टाइप चेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, सिंबल टेबल क्या होता है, सिंबल टेबल का मैनेजमेंट कैसे होता है, सिंबल टेबल में क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं इनको समझेंगे हम, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 1 में, और आने वाली यूनिट्स में हम इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में भी समझेंगे। और इसका जो यूनिट नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, ये पार्ट जो है वो कवर करेगा लेक्सिकल एनालाइजर को, कि लेक्सिकल एनालाइजर जो कंपाइलर का पहला फेस होता है वह किस तरह से काम करता है, लेक्सिकल एनालाइजर का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है टोकन को रिकॉग्नाइज करना वह किस तरह से करता है, इसी यूनिट में हम कवर करेंगे जो है लैक्स टॉपिक को, कि लैक्स क्या होता है, लैक्स जनरेटेड टूल्स क्या होते हैं, इनपुट बफरिंग के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। और ओवरऑल अगर हम इसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर दें यूनिट नंबर 1 को कंपाइलर डिज़ाइन की, तो ये 2 टॉपिक को मेजरली कवर करेगा। पहला जो है वो है कंपाइलेशन प्रोसेस को और स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर को, और उसमें जो फेसेस यूज होते हैं उनको, जिनको हमने फ्रंट एंड और बैक एंड में कंप्यूट यानी डिवाइड करके रखा है, और लेक्सिकल एनालाइजर का, और लेक्सिकल एनालाइजर जो है लेक्सिकल एनालिसिस का जो मेन काम है कि ये टोकन को कैसे रिकॉग्नाइज करता है और उसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट नंबर 1 के पार्ट में कवर की गई हैं। दूसरी जो यूनिट है यूनिट नंबर 2, ये सिंटैक्स एनालिसिस पर काम करती है। तो सिंटैक्स एनालिसिस जो है वो कंपाइलर का दूसरा फेस है, इस पर हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है गाइस वो है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनका टाइप 0 क्या है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 ग्रामर क्या होती है, इसमें हम जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके बिहाफ में ग्रामर को कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, और फिर ग्रामर कंप्यूट करने के बाद जो पार्सिंग प्रोसेस है यानी जो ट्री कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है हम वो देखेंगे, ग्रामर से यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम जो एम्बिग्यूटी है एम्बिग्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, एम्बिगियस ग्रामर को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें हम LMD का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, RMD का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जब हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है यूनिट नंबर 2 का, ये एस एट्रीब्यूट एल एट्रीब्यूट्स को टॉपिक को कवर करेगा, जिसमें हम एस एट्रीब्यूट्स एल एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और एस एट्रीब्यूट्स एल एट्रीब्यूट जो है वो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में किस तरह हमारी मदद करता है, इसमें इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स का क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हम यूनिट नंबर 2 के टॉपिक में कवर करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो कंपाइलर डिज़ाइन की है ये फोकस करता है 2 टॉपिक्स पर। पहला जो इसका टॉपिक है वो है टाइप चेकिंग, और जो दूसरा टॉपिक है ये है रन टाइम एनवायरनमेंट। तो पहले टॉपिक में हम टाइप चेकर्स के बारे में देखेंगे कि टाइप चेकिंग कैसे होती है, इसका सिमेंटिक एनालिसिस कैसे होता है, इसका सिंप्लीफिकेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे, और साथ ही साथ इसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए हम रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे कि रन टाइम एनवायरनमेंट में क्या होता है, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड कैसे बनता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स की क्या फील्ड होती हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो स्टोरेज हमको कैसे यानी स्टोरेज कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टोरेज डायनेमिक स्टोरेज कैसे होते हैं, इनके पैरामीटर पासिंग
प्रोसेस क्या होती है, जो पैरामीटर पास करेंगे उनके लिए डायनेमिक और स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन किस तरह से एलोकेट होता है, एलोकेशन की स्ट्रेटजीज देखेंगे, और एट द लास्ट ऑफ दिस यूनिट हम समझने की कोशिश करेंगे कि एरर डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो ये यूनिट नंबर 3 कंपाइलर डिज़ाइन के टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यूनिट नंबर 5 गाइज कवर करती है टॉपिक को कोड जनरेशन को। कोड जनरेशन यानी इंटरमीडिएट कोड किस तरह से जनरेट होते हैं, इसमें हम बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि बैक पैचिंग कैसे होता है, इसमें हम डैग रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, इसी यूनिट में हम थ्री एड्रेस कोड भी देखेंगे, पोस्ट फिक्स नोटेशन कैसे होते हैं, सिंटेक्स ट्री को हम जो है वो किस तरह से थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या थ्री एड्रेस कोड जो है उसका डैग रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, जो सिर्फ कवर करता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को। अब जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होते हैं उनको हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है मशीन कोड जनरेट करने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो हम यूनिट नंबर 5 में कवर करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 जो है वो टोटल आपका फोकस करेगी कोड ऑप्टिमाइजेशन पर। इसमें हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से जो हमें पता लगाना है कि इन टेक्निक्स पर हम काम करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसमें हम बेसिक ब्लॉक डेटा ग्लोबल डेटा फ्लो के बारे में देखेंगे, इसमें जो इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं जैन इन किल इसके बारे में हम समझेंगे, इसका जो मैट्रिक्स बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है वो देखेंगे, इसमें मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, पीपल ऑप्टिमाइजेशन यूनिट नंबर 4 में हम कवर करेंगे, यूनिट नंबर 5 में ये पूरा का पूरा सिंबॉलिक डीबगिंग नोटेशन जो है हम वो भी इसमें कवर करेंगे। तो गाइज ये पूरा का पूरा जो यूनिट है ये कोड ऑप्टिमाइजेशन पर बेस्ड है, और इस पूरे कंपाइलर डिज़ाइन में हम कंपाइलर की हर फेज की डिटेल इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, क्या इनपुट लेता है और क्या आउटपुट जनरेट करता है। सो गाइज आशा करता हूँ कि आपको ये ओवरव्यू इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आया होगा कंपाइलर डिज़ाइन का। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।